हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको शाही लज़त में बताने जा रहे हैं लहसुनी पालक आलू, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। इंशाल्लाह रहमान आपको नई नई रेसिपीज़ मिलते रहेंगी। मैंने दो बड़ी गड्डी पालक की ली हूँ, उसको चॉप कर ली हूँ। मैंने तीन आलू ली हूँ। मैंने ये एक अक्खी पॉड या एक अक्खी कली लहसुन की आती वो, और 6 से 7 हरी मिर्ची ग्राइंड कर ली हूँ और रखी हूँ। एक मैंने बड़ी प्याज ली हूँ और इसको बारीक चॉप कर ली हूँ। 2 टमाटे मैंने बारीक चॉप कर ली हूँ। मुझे 1 टीस्पून ज़ीरा चाहिए, हसब ज़रूरत नमक चाहिए, हींग चाहिए। ये असली प्योर घी है, असली घी है। उस तड़के के लिए मैंने ज़्यादा लहसुन रखी हूँ क्योंकि लहसुनी पालक है, तो ज़्यादा चॉप करके मैंने लहसुन रखी हूँ। 6 से 7 टुकड़े मैंने अक्खी लाल मिर्ची के टुकड़े रखी हूँ और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा रखी हूँ। यहाँ पर मैंने 3 टीस्पून ऑयल डाली हूँ। सबसे पहले हम ज़ीरा डालेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। हल्का सा पिंक कलर आया, इसमें हमने लहसुन और हरी मिर्ची जो हमने ग्राइंड करके रखे थे वो डाल दिए, हींग डाल दिए, हसब ज़रूरत नमक डाल दिए और इसको 4 से 5 मिनट अच्छे से भुनो फ्राई करते और आगे आपको बताते हैं। हमने आपको हल्दी नहीं बताए थे, थोड़ी सी हल्दी भी हमको डालना है इसके अंदर। इसके अंदर हम डाल देंगे टमेटोस। डालने के बाद हम इसको थोड़ा कवर करके रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें हम आलू डालेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर दिया, फ्लेम को लो कर दिया और कवर करके 5 से 7 मिनट के बाद आपको बताते हैं। ये हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। आप इसमें 2 चम्मच दूध की बलई डाल दो, मलई बोलो वो डाल दो। इससे क्या होता है, इतना अच्छा क्रीमी टेक्सचर आता है पालक, लहसुनी पालक में। अब इस चेक पे हम ये क्रीम डाल दिए। अब ये पालक हम पूरी एक साथ डाल देंगे और अभी हम इसको बिल्कुल भी कवर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे आलू, हमारी क्रीम सब जा चुकी है। इधर इसको हम फुल फ्लेम पे बनाएंगे। देखो, ये हमारी लहसुनी पालक रेडी हो रही है। यहाँ पर इसका हम तड़का तैयार करते हैं। प्योर घी डालेंगे। सबसे पहले हम ज़ीरा डालेंगे इसके अंदर। ज़ीरे के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन। लहसुन के साथ ही हम डाल देंगे मिर्ची। हमने तड़का इतना लाल कर लिया, अभी फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा तड़का रेडी हो चुका है। आप एक ये बात मार्क करें, ना मैंने इसको बॉईल करी हूँ, ना मैंने इसको ग्राइंड करी हूँ और इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है। कितना अच्छा कलर आया है आप देखिए पालक, लहसुनी पालक का। अभी हम इसको सर्व कर रहे हैं, ठीक है। और इसके ऊपर सर्व करने के बाद ही हम तड़का डालेंगे। अभी हम इसके ऊपर हम बघार डाल देंगे। आप लोग भी ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट्स में बताना। अल्लाह हाफिज़।